नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रयागराज डॉट कॉम। दोस्तों बहुत ही बढ़िया न्यूज है। नेशनल हेल्थ मिशन से जिस जो वैकेंसी निकली हुई थी सीएचओ की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, 2800 वैकेंसी, इसका एग्जाम जो 9 और 10 तारीख को होने वाला है, 9 और 10 सितंबर को जो होने वाला है उससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि अभी तक उन्होंने ऑफलाइन एग्जाम दिया था उसी के बारे में उन्हें ज्ञान है, ऑनलाइन कैसे होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो इस बार होने वाला है वो सीबीटी एग्जाम के माध्यम से होगा। सीबीटी मतलब देखेंगे तो सीबीटी एग्जाम का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो उसी के लिए नेशनल हेल्थ मिशन ने क्या किया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर देखिए मॉक टेस्ट अपकमिंग 28 सीएचओ सीबीटी टेस्ट एग्जाम। तो कैसे होगा इसका एक छोटा सा इन्होंने डेमो दे दिया है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको कैसे वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कैसे फेस करना है, कैसे आपको अपना एग्जाम देना है, वो सारी चीजें यहाँ पर एज लाइक हूबहू डेमो कॉपी दे दिया। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर। तो कुछ इस तरीके का सीनेरियो खुल के आएगा। जैसे ही यहाँ पर सीनेरियो खुल के आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए आपकी फोटो वगैरह दिख के आएगा। जो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉग इन करना है। लॉगिन करने के लिए आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड, रोल नंबर या फिर जो भी पासवर्ड वहां पर जो एग्जामिनेशन सेंटर में होगा वो आपको दिया जाएगा, या फिर आपका जो रोल नंबर वगैरह होगा उसके थ्रू इसको आपको लॉगिन करना है। बट यहाँ पर ये डेमो क्लास है इसलिए आपको क्या करना है, साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर देखिए प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन, यहाँ पर केयरफुली बताया हुआ है, आप इसको अच्छे से पूरा रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करें और नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपको क्लिक की बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर जैसे नर्सिंग के लिए टॉप वन पे आप देखेंगे तो नर्सिंग के लिए क्वेश्चन 8 आएगा और देखिए मार्क्स 1 होगा, ये नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देखिए क्वेश्चन 8 आएंगे, एक एक नंबर के होंगे। इसी तरह आप देखिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चन, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट होगा आप देखिए फर्स्ट एड में ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं यहीं से। तो 10th ऑप्शन आपको मिल जाएगा, टोटल 100 अंकों का है। जिस भी सब्जेक्ट से जैसे भी है तो वन बाय वन क्वेश्चन मार्क्स आपको सब दिखा दे रहा है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसी तरह सेम टू सेम देखने को मिलेगा, आपको हिंदी भाषा में एग्जाम देना है या इंग्लिश में। इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। आइए दोनों में करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं हिंदी को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके देखिए प्रीवियस जाना है तो प्रीवियस, अदरवाइज आपको यहाँ पर लिख देना है आई एम रेडी टू बिंग, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा वहां पर भी। अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, अब आपको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मिडवाइफरी का ऑप्शन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, मेडिकल सर जो भी है जिससे रिलेटेड आप देना चाहते हैं यहाँ पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको वहां के जो टीचर्स होंगे आपको आपको हेल्प करेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया, पाई का मूल्य क्या होता है। पाई का मूल्य आई थिंक जहां तक मुझे नॉलेज है 22/7 होता है। अब 22 में 7 का अगर हम भाग देंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से दूसरा वाला होगा, वॉट एवर कंफर्म नहीं है मुझे, आई एम नॉट कंफर्म कि 3.14159 है, आप लोग कंफर्म कर लेना। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद स्क्रॉल कर लेना है अपने सिस्टम को थोड़ा सा। हालांकि वहां पर आपको स्क्रॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्क्रॉल करने के बाद देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने के बाद आप यहाँ आएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन को मिल जाएगा, तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। साथ में यहाँ पर देखेंगे लास्ट में कि जब आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे तो ये रेड कलर कुछ रेड टाइप का है, जो भी कलर है ये रेड है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो ये क्वेश्चन है। जैसे ही आप यहाँ पर क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप सेव एंड नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे, देखिए पहला आपका क्वेश्चन डन है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हालांकि ये डेमो है तो किसी को सिखाने के लिए बताया गया है क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन अलग से नहीं दिया गया, केवल डेमो है समझने के लिए। मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये तो कोई दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पाई का मूल्य क्या है, इसमें मान लीजिए आपका ए नंबर है तो आप ए सेलेक्ट करिए एंड यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन को प्रेस कर देंगे।
जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं, मान लीजिए ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका आपने डी वाला ऑप्शन को चूज किया और यहाँ पर सेव के बटन को किया, तो तीन क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए हैं। इसी तरह वन बाई वन लगातार मैं करता चलता हूँ कि देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आठ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद क्या होगा। आठवां क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए, सेव किए। अब देखिए जैसे ही मिडवाइफरी के बाद आप कम्युनिटी हेल्थ में आप डायरेक्टली पहुंच गए, तो क्वेश्चन नंबर दो में आ गए। तो सेम वही चीज फिर से करना है, सब क्वेश्चन अलग होंगे क्योंकि ये समझाने के लिए है, इसलिए ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन अलग होंगे, केवल आपको यहाँ पर यह समझाया गया कि आपको वहां पर क्वेश्चन कैसे देंगे। लास्ट में आपको ये भी मैं बता दूं, जैसे ये रेड है नॉन आंसर्ड, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये नॉन आंसर्ड है, यानी आपने अभी आंसर नहीं दिया है। ग्रीन का मतलब हो गया कि आपने आंसर दे दिया, तो अब इसको यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर नॉट वैलिड, यानी सिक्स, अगर सिक्स नंबर पे अगर आप किसी अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया कोई भी और आप यहाँ पर नेक्स्ट कर जाते हैं तो देखिए नॉन सिलेक्टेड है, आप डायरेक्ट बढ़ जाइए आगे, तो ये सारी चीजें होने वाली है। ये अगला क्वेश्चन भी आप जा सकते हैं पेज पे, कुछ ऐसे ही होने वाला है। कुछ नहीं समझ में आता तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कुछ इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, फॉर्म को भरना है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको चाहिए इंपॉर्टेंट जो आने वाले क्वेश्चन है, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए आपको मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लेना है, ये रहा मेरा ट्विटर अकाउंट, आप यहाँ पर आएंगे और ट्वीट करेंगे तो इस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर या फिर कौन सी बुक पढ़नी है वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं फॉलो कर ले, इससे आपको नई नई जॉब की नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिल जाएगी। कमेंट करेंगे तो आपकी बुक वगैरह मैं बता दूंगा। बाकी ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर फॉलो कर लो और बेल के आइकन को प्रेस कर दो, इससे नई नई जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मुझे बस यही बताना था, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये मॉक आपका टेस्ट है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाला है 9 और 10 को, तो तैयार हो जाइए जल्दी से। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।